हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है, आज का परफॉर्मेंस कैसा था और इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है मंडे के दिन, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स मिल सके। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि आज कैसा परफॉर्मेंस था येस बैंक का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि येस बैंक ने क्लोजिंग दी है 14 रुपीज़ 40 पैसे पर। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1.71% की जो है इसमें गिरावट देखने को मिली। ये ओपन हुआ था 14 रुपीज़ 90 पैसे और ये हाई लगाया था 15 रुपीज़ और ये लो लगाया था 14 रुपीज़ 35 पैसे। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा आज का परफॉर्मेंस कैसा था येस बैंक का। ये गैप अप ओपन हुआ, अचानक से उसमें गिरावट देखने को मिली। फ्रेंड्स, उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कि इसमें अचानक से गिरावट क्यों देखने को मिली, अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी इसमें गिरावट देखने को मिली। फ्रेंड्स, चलिए हम पहले NSE के वेबसाइट पर देख लेते हैं कि कैसा इसमें कारोबार हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ट्रेडेड है, लगभग 13.5 करोड़ की जो है इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है और ये इसमें डिलीवरी उठाई गई है लगभग 6.5 करोड़ की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 48% की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है। फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं कि आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि येस बैंक ने आज एक रेड कैंडल बनाया है। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट यानी कि रिवर्स में चला गया आज। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है बोले तो ये देखिए फ्रेंड्स, कई बार अच्छी न्यूज़ निकलती है लेकिन वो पर्टिकुलर शेयर को जानबूझ के गिराया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा। आपने कई शेयर्स देखा होगा रिवर्स हो जाता है, यानी कि बैड न्यूज निकल कर आती है लेकिन वो शेयर भागता है, और कभी ऐसा हो जाता है कि गुड न्यूज निकल कर आती है लेकिन उसका जो है रिवर्स हो जाता है। फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर्स का गेम रहता है। फ्रेंड्स, जो कि आप जैसे और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से माल खींचने की कोशिश करते हैं, कई लोगों ने सेल भी कर दिया होगा पैनिक होकर। तो मेरा सजेशन उनके लिए अभी भी यही है कि उसे होल्ड करके चलिए। इसमें अचानक से आपको तेजी देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर शेयर में लगातार 2-3 दिन जो है एकदम इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसकी एक हिस्ट्री है। अगर हम पीछे जाकर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक हिस्ट्री है जो कि लगातार 3 दिन की तेजी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में लगातार 3 दिन जो है इसमें ग्रीन कैंडल बना था और अपर सर्किट लगाया था। फ्रेंड्स, उसी तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको इस तरह की तेजी जरूर इसमें देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, चलिए हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्या न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता ही था कि येस बैंक बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है येस बैंक के लिए और येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी। और नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि CBI बुक अवंता प्रमोटर इन 466 करोड़ येस बैंक फ्रॉड केस। सो CBI का एक केस बुक हुआ है 466 करोड़ की रिकवरी के लिए। फ्रेंड्स, तो इसके तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आएगी तो मुझे लगता है कि अगर इसके रिकवरी होती है तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा येस बैंक के लिए। और नेक्स्ट न्यूज़ जो आपको जानना चाहिए कि हयात रीजेंसी क्लोजर होटल मैनेजमेंट ब्लेम्स येस बैंक फॉर ब्लॉकिंग अकाउंट होल्डिंग बैक फंड्स। तो यहाँ पे भी एक रिकवरी होने की पूरी संभावना है क्योंकि ये हयात रीजेंसी के जो है बिजनेस को क्लोज करना पड़ा क्योंकि येस बैंक ने पूरे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए करके ये न्यूज़ निकल कर आई है। फ्रेंड्स, और इसके बारे में भी जो है जो भी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स आते रहेंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि येस बैंक टू शिफ्ट बेस टू फॉर्मर रिलायंस इंफ्रा हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। तो येस बैंक का जो है एक ऑफिस जो है रिलायंस इंफ्रा हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया है। इसका रीजन ये 20% एक्सपेंडिचर है उसे सेव करने के लिए जो है इसमें शिफ्टिंग हुई है। फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा स्टेप है प्रशांत कुमार जी का। और नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्विस बैंक ऑर्डर टू शेयर डिटेल ऑफ अनिल अंबानीज अकाउंट विथ इंडिया। ये भी एक न्यूज है जिसके बेसिस पे हम वेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि
अगर अनिल अंबानी के अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल निकल कर आती है तो मुझे लगता है कि इसमें भी अपने को रिकवरी होने की पूरी संभावना है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर, मंडे के दिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। ऑपरेटर्स ने तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स के उम्मीदों पर पानी फेर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि ये मार्केट आप जैसे मुझे से रिटेल इन्वेस्टर से नहीं, ऑपरेटर से ही चलता है ज़्यादातर। तो क्योंकि हम 1 लाख 2 लाख पे इन्वेस्ट करते हैं या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ये ऑपरेटर्स करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने तरफ से जैसा चलाना चाहते हैं किसी भी शेयर को वो अपनी तरफ से चलाते हैं। तो ये एक ऑपरेटर की चाल हो सकती है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि मंडे के दिन इसमें ग्रीन कैंडल तो ज़रूर बनना चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि दोबारा से आपको 15 रुपीज़ पे टच करता हुआ दिख सकता है। अगर नीचे की तरफ अगर ये मूव होता है तो ये आपको यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है 14 रुपीज़ का, तो मुझे लगता है कि 14 रुपीज़ आ सकता है फ्रेंड नीचे की तरफ। तो अभी भी ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल अभी भी बता रहा है वीवैप का, तो ये एक अभी भी पॉजिटिव इंडिकेटर है। और यहाँ पे जैसे कि वॉल्यूम बार्स लगातार बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स क्रिएट हो रहे हैं MACD में, और RSI थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, विलियम परसेंटेज भी नेगेटिव बता रहा है फ्रेंड्स। तो अभी भी मैं लॉन्ग रन के लिए सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, जो भी होल्ड करके हैं उसे होल्ड करके रहने के लिए आपको जल्द से जल्द जो है 21 रुपये 25 रुपये देखने को भी मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ये मेरे व्यूज़ थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।